और जब ये एक सीमा से परे चला जाता है तब आपके विचार आप पर पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं। लगभग 90% लोगों की परेशानी यही है। ये मेरी इच्छा और मेरा आशीर्वाद है कि आप अपने ही मन की कैद से बाहर निकलें और सृष्टि की सुंदरता को जानें। सुस्ती या तो भोजन या विचारों के अधिक मात्रा में सेवन करने से आती है। शायद आप ये सोचें कि विचारों के अधिक सेवन से आलस कैसे आएगा। हालांकि हर कोई ये तो समझ सकता है कि भोजन के अधिक सेवन से जरूर सुस्ती आती है। अगर विचार आपको खा रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप बिस्तर से बाहर ही नहीं आना चाहेंगे। मैं विचार प्रक्रिया की बात नहीं कर रहा, मैं विचारों के ज्यादा सेवन की बात कर रहा हूं, जिसका मतलब है विचार लगातार बह रहे हैं बिना आपके प्रयास के, बिना आपके ध्यान के, बिना आपके इरादे के। जब ऐसा हो जाता है तब आप देखेंगे कि स्वाभाविक रूप से आप भौतिक गतिविधियों से बचना चाहेंगे। और जब ये एक सीमा से परे चला जाता है तब आपके विचार आप पर पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं। चिकित्सा विज्ञान में इस स्थिति को भद्दे नाम दिए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि भोजन में और अंतहीन विचारों की गति में एक तरह का संयम होना चाहिए। थिंकिंग कॉन्शियसली एंड जस्ट कंज्यूमिंग और लिविंग अपॉन थॉट और बीइंग कंज्यूम्ड बाय थॉट आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। चेतना से सोचना या बस विचारों के सहारे जीवन जीना, ये दो बहुत अलग चीजें हैं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है कि बहुत सारे लोगों को इनमें फर्क पता नहीं है, और इस वजह से जो कीमत मानवता चुका रही है वो उचित नहीं है। जो निष्कर्ष आप अपने मन में निकालते हैं वे जीवन को अनुभव करने की आपकी क्षमता को गंभीर रूप से कम करते हैं। जितने ठोस आपके निष्कर्ष होंगे उतना ही ज्यादा आप उनके आधार पर अपनी पहचान बनाएंगे, और उतनी ही ज्यादा आपको अपनी मानसिक सच्चाई, अस्तित्व की सच्चाई लगने लगेगी। लगभग 90% इंसानी दुख बस यही है, आप अपने मानसिक नाटक को सच्चाई समझने की भूल कर बैठते हैं। ये आपका नाटक है, आप इसके साथ जैसे चाहे खेल सकते हैं। अगर आप इस नाटक के अच्छे निर्देशक हैं तो आप इसे जैसा चाहे बना लेंगे, नहीं तो ये बेतरतीबी से हो रहा है। यही अस्तित्व की सच्चाई है। ये कितनी सुंदर है, पर ज्यादातर लोग अपने मन में जीना चुनते हैं क्योंकि उन्होंने ठोस निष्कर्ष बनाए हैं, और अब उनके लिए ये विकल्प ही नहीं रहा कि उन्हें कहां जीना है। अब समय है कि आप इस धरती पर जिएं, इस सृष्टि की सुंदरता और इस सृष्टि में सृष्टा की उपस्थिति की भी अनुभूति कीजिए। सृष्टि के हर पहलू पर बस पर्याप्त ध्यान दीजिए और आप सृष्टि के स्रोत की उपस्थिति को उसमें देखेंगे। आपको यह अनुभव करने की जरूरत है। मानसिक नाटक आपका बनाया हुआ है। जो अस्तित्वगत नाटक यहां हो रहा है उसकी तुलना में मानसिक नाटक बहुत छोटा है। अब समय है कि आप इसका आनंद लें। ये मेरी इच्छा और मेरा आशीर्वाद है कि आप अपने ही मन की कैद से बाहर निकलें और सृष्टि की सुंदरता को जानें। बुनियादी चीज, सबसे मौलिक पहलू जिसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है वो ये है कि आप निष्कर्ष मत बनाइए। अगर आप निष्कर्ष नहीं बनाते The doors of your mind will not close. तो आपके मन के दरवाजे बंद नहीं होंगे।
अगर आप केवल अपना तर्क लगाते हैं और अपनी समझ के दूसरे पहलुओं को नजरअंदाज करते हैं तो आप जीवन की हर छोटी चीज को लेकर भ्रमित रहेंगे, क्योंकि तर्क एक काटने वाला उपकरण है। ये एक चाकू की तरह है। अगर आप काटना चाहते हैं तो ये एक अच्छा साधन है, पर अगर आप एक चाकू से सिलाई करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास चिथड़े बचेंगे। ज्यादातर मनुष्य इस समय यही अनुभव कर रहे हैं कि वे सिलने के लिए, चीजों को जोड़ने के लिए एक काटने वाले साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जितना प्रयास करेंगे आपके अंदर आपके उतने ही चिथड़े होंगे। ऐसा समय था जब लोगों ने दुनिया को बांटा था, फिर वे और ज्यादा बांटते चले गए। आपने ये देखा, ऐसा समय था जब लोग साथ रह पाते थे। भारत में ऐसे परिवार थे जहां एक परिवार में 400-600 लोग होते थे, वे एक ही घर में रहते थे। फिर धीरे धीरे घर में बस माता पिता और उनके बच्चे और पोते पोती रहने लगे। फिर दादा दादी थोड़ी समस्या बन गए तो हमने उन्हें कहीं और भेज दिया। अब बच्चे समस्या बन गए हैं, हम उन्हें कहीं और भेज रहे हैं। और धीरे धीरे पति और पत्नी अलग अलग घरों में रह रहे हैं और वीकेंड पर मिल रहे हैं। बस यही नहीं, अपने भीतर भी आपने अपने आप को कई हिस्सों में काटकर खुद को कई लोगों में बांट दिया है, क्योंकि तर्क काटने की प्रक्रिया है। अगर आप जीवन के हर आयाम के लिए केवल अपने तर्क का ही इस्तेमाल करते हैं तो आपका यही हाल होगा। एक दिन आपकी मानसिकता खंडित हो जाएगी। हाँ, तो ये महत्वपूर्ण है कि मन के दूसरे आयाम आपके भीतर जीवित हों। बुद्धि के उन आयामों के जीवित हुए बिना आपका दिल नहीं धड़केगा, आपका लिवर काम नहीं करेगा, आपकी किडनी काम नहीं करेगी। ये सब कुछ नहीं होगा, ये सब आपके तर्क से नहीं हो रहा। तो आपके भीतर समझ के ऐसे आयाम हैं जिनकी खोज की जानी चाहिए और उन्हें आपकी चेतना में जीवित होना चाहिए।